जाति धर्म के नाम पर कैसे लोगों को बांटा जाए और अपनी रोटी कैसे सेका जाए, ये हमेशा भाजपा के लोग माहिर हैं इसमें। इसके स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा दूसरा कोई नहीं उदाहरण हो सकता है जो इतना काम कर सकते हैं। भाजपा के लोगों के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं। नमस्कार, मैं सागर कुमार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं। देखिए, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी लगातार नीतीश कुमार के ऊपर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने नीतीश कुमार को सड़क छाप तक बता दिया, साथ ही साथ यह भी कहते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार राजद के ऊपर बोझ बन गए हैं और नीतीश कुमार की जो वोट लेने की क्षमता थी वो खत्म हो चुकी है। इसके ऊपर जब हमने बातचीत की जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से तो क्या कुछ उन्होंने कहा, सबसे पहले इस वीडियो में आप वो सुने। बिल्कुल, भाजपा के लोगों के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं। तो अर्गनल जो है प्रलाप भाजपा करते ही रहेगी। उनको जो है लोगों को किस तरह भटकाना है, सही रास्ते से किस तरह भटकाया जाए और जाति धर्म के नाम पर कैसे लोगों को बांटा जाए और अपनी रोटी कैसे सेका जाए, ये हमेशा भाजपा के लोग माहिर हैं इसमें, इस खिलाए में माहिर हैं। हमारे नेता काम में विश्वास करते हैं, काम करते हैं, लोगों के लिए चिंतित रहते हैं और बिहार के लिए तो हमेशा देख रहे हैं कि जब से उन्होंने सत्ता संभाली 17 वर्षों में जो बिहार की ऊंचाई दिया, हम तो ऐसे कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा दूसरा कोई नहीं उदाहरण हो सकता है जो इतना काम कर सकते हैं। और उन्होंने जो काम किया है ये देश दुनिया के नक्शे पर है। हम कहाँ से शुरू करेंगे, हर क्षेत्र में लीजिए, चौमुखी विकास हुआ है, हर घर नल किसने पहुँचाया, हर घर शौचालय निर्माण किसने कराया, हर घर तक की बिजली की उपलब्धता किसने कराई, हर ये समाज के इनके नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है और तमाम जो हमारे जो महागठबंधन घटक दल के जो नेता हैं सब लोग का आस्था है। इक्का दुक्का कोई लोग बोलते रहते हैं, इन तमाम लोग जो हैं इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में बिहार में जन कल्याणकारी कार्य बहुत सारे हो रहे हैं जिससे जो है बिहार को विकास हो रहा है, बेमिसाल काम हो रहा है। तो और भाजपा के पास तो सिर्फ भ्रम फैलाने का, देख रहे हैं कि अभी हाल में ही किस तरह से जो है नगर निकाय चुनाव में भाजपा के लोगों ने क्या नहीं किया। उनके तो जो है आरक्षण विरोधी जो चेहरा है, जो अति पिछड़ा दलित का जो आरक्षण हमारे नेता ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का जो काम किया उसके लिए किस तरह से उन्होंने कोर्ट में गया, कोर्ट के बाद कैसे रोकने का काम किया, लेकिन रुका नहीं। हमारे नेता के रहते अति पिछड़ा समाज के हित से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि हमारे नेता को आज पूरा देश जो है एक उम्मीद एक उत्साह के साथ देख रहा है। एक अच्छे जो है ना जितने भी विपक्ष हैं विपक्ष के धुरी के रूप में हमारे नेता को देख रहा है और निश्चित ही 2024 आने वाला है उसमें परिवर्तन दिखाई देगा केंद्र में। और जो है भाजपा के जो जितने भी चाल है, भाजपा के जो कुटिल नीति है, सबको जनता समझ चुकी है, जनता उसको सिखाएगी। अभी देखिए 7 तारीख से जो है किसी ने सुना, 52 वर्ष हो गया, 1931 में पहली बार जाति जनगणना हुआ था, मैंने जनगणना उसके पहले होता रहा है लेकिन जनगणना 1931 के बाद हुआ। उस समय बिहार अपने अस्तित्व में नहीं था, उस समय बिहार उड़ीसा एक था और बिहार उड़ीसा जब बिहार हम लोग 36 में अलग अलग हुए, बिहार और उड़ीसा अलग हुआ, उसके बाद किसी मुख्यमंत्री ने कोई काम किया? उसके बाद हम लोग जब अपने अथि में आए तो 52 वर्ष में किसी ने कोई काम किया? इस तरह से जो है किसके लिए ये नीतिगत फैसला लेने के लिए अन्य जितने भी हमारे जो सबसे नीचे पौधार पर जो जाति है जो लोग हैं उनके लिए नीति बनाने के लिए उनके विकास के लिए कैसे बनेगा जब तक कि उनके पॉपुलेशन के बारे में मालूम नहीं रहेगा कैसे बनेगा। तो 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री ही नहीं रहेगी, नीतीश कुमार जी ही आएंगे और तमाम लोग जो है आज सभी जो विपक्ष है सब लोग गोलबंद हो रहे हैं, भाजपा विपक्ष मत है सब लोग गोलबंद हो रहे हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी जो है 24 में परिवर्तन होगा और भाजपा हटाओ और देश बचाओ यही हमारा रहेगा। सुशील कुमार मोदी ने बयान दिया कि राजा, अरे छोड़िए ना, सुशील कुमार मोदी जी की बात को हम लोग लेते हैं। हमारे नेता के नेतृत्व में जब वो काम कर रहे थे, हमारे नेता पीएम मटेरियल थे उस समय में, आज वो हमारे नेता पर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। हम लोग उनके वैसे लोगों को हम लोग नोटिस भी नहीं लेते हैं, पर हम पहले भी बता दिए
कि जब उनके पार्टी के नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही पहले बोल चुके हैं, तब बोलने का कोई अति उचित नहीं है। कुछ लोग होते ही करेक्ट, समझे, कुछ लोग जो है मानसिक स्थिति से मानसिक स्थिति खो बैठते हैं, बोलना है कुछ बोलते हैं कुछ, तो ऐसे लोगों के हम लोग नोटिस ले लेते हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का साफ तौर पर कहना है कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ऐसे ही बयानबाजी करते हुए नजर आते रहते हैं, बस मीडिया में उन्हें बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि भाजपा का काम है भ्रम फैलाना, सिर्फ भाजपा भ्रम फैलाती है और लोगों को गुमराह करती है। और उमेश कुशवाहा ने नगर निकाय चुनाव के वक्त का भी याद करते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त भी भाजपा सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही थी। क्या कुछ कह रहे थे इस वीडियो में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, आपने सुना। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।